सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नगरोटा साजिश को लेकर, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के सामने अब कड़ा विरोध जताया है। सरकार ने भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के इंचार्ज जावेद अली को समन किया है। गीता मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीता, क्या अपडेट है? समन किया है, जहां को उठाया सरकार ने मिनिस्ट्री समन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया जो नगरोटा में इंसिडेंट हुआ था, टेरर इंसिडेंट, उसको लेकर। ये भी कहा पाकिस्तान को ऐसे आतंकवाद और फैलाने का काम बंद कर देना चाहिए और इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे यूज करना है पाकिस्तान, वो भी बंद कर देना चाहिए। जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान के तरफ, उस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी का सेफगार्ड करने की जरूरत है। इन मामलों को के बारे में बातचीत की शाहजह फैज जावेद अली के साथ, लेकिन सबसे बड़ा मामला जो भारत ने पाकिस्तान के इस डिप्लोमैट के साथ उठाया वो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला था और ये कि भारत के पास सबूत है कि ये आतंकवाद पाकिस्तान से आए थे। गीता, सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी बड़ी मात्रा में हथियार वहां से बरामद किए गए, उन सभी पर जो मोहर थी वो थी मेड इन पाकिस्तान की, यानी सबूत ठोस है। इससे पहले पाकिस्तान नकारता आया है तमाम भारत के आरोपों पर, लेकिन इस बार तो ठोस सबूत भारत के पास है। बिल्कुल ठोस सबूत, न केवल जो जो एम्यूनिशन थे वो पाकिस्तान से थे, लेकिन जो आतंकवादी थे जिनको मार गिराया, उन्होंने जो कपड़े पहने थे या जो जूते पहने थे, वो सारे मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में हुए थे। तो काफी ठोस सबूत के साथ शाहजह फैज को बुलाया गया और उनको ये साफ 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 बताया गया कि ये सबूत है, पाकिस्तान को अब डिनायल करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट करें। और एक्सेप्ट करने के साथ ही साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी को ये मैसेज भेजे कि ये जो आप टेररिज्म और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे हैं उसे बंद करने की जरूरत है, क्योंकि भारत इसका ठोस जवाब देता रहेगा। शुक्रिया, नजरा बना रखिए। गीता मोहन हमारे सहयोगी जानकारी दे रही थी।